بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم मेरे अजीज और भाइयों मजमून तो आप हजरात को मालूम है जो चल रहा है अल्लाह ताला बस हमें सही तरह दिल के कानों से सुनने की समझने की और उसको अमल में लाने की तोफ़ी दे हक ताला अल्लाह ताला अमल में लाने की तोफ़ी दे बस असल ये है दिल से यक़ीन हो और फिर अमल में आ जाए वो चीज़ मुख्तसर नाम है कि जन्नत के टिकट गोया के ये अकवाल रसूल सल्ला व् की रोशनी में आपसे बातें हो रही है आज जो मैं अभी अर्ज़ करूँगा वो सुन लीजिए कल रसूलबादी सल्हबी अबन्न हाँ मेरे भाइयो नबी पाक सल्ला वसलम से जन्नत का सर्टिफिकेट ले लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत का सर्टिफिकेट हाँ दुनिया में कोई अगर दे और ज़रा भरोसे का आदमी हो किसी दर्जे में अपनी कौम में इलाके में जाना पहचाना हो बड़ा आदमी हो तो बड़ा एतमाद होता है कि वो उसने मुझे गारंटी दे दी सर्टिफिकेट दे दिया अब मुझे कोई परवाह नहीं है जो होगा वो ज़िम्मेदार है तो प्यारो आप अलैहि वसल्लम ज़िम्मेदारी ले रहे हैं जन्नत में दाखिले की किस चीज़ पर किस बात पर बस वो बात पैदा कर ले हम अपने अंदर जन्नत में दाखिल हो गए क्या बात है नबी आसलाम इरशाद फरमाते हैं ये जो दो जबड़ों के बीच में है जुबान एक तो इसे और जो दो पैरों के बीच में है शर्म गाह इन दोनों को महफूज रखने की जिम्मेदारी और जमानत तुम दो मुझे तुम इसकी जमानत दे दो कि ये दोनों हमारी दोनों के दोनों हुक्म खुदा की पाबंद रहेंगी और इन दोनों से इधर उधर की गलत सलत हरकतें नहीं होगी तो मेरे भाइयों एक ईमान वाला आदमी नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाला अगर इन दो सिफतों को लेके जाएगा तो सीधा जन्नत में पहुंच जाएगा तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज पे जमानत और गारंटी दे वो मामूली है या वो कोई ऐसा हो सकता है खिलाफ तो जन्नत नहीं चाहिए हम सबको चाहिए माँ तो जो जबड़ों के बीच में है वह माँ बई न फकीजी और रिजलई दोनों रिवायतों में अल्फाज आए हैं यानी जुबान की हिफाजत और शर्मगा की हिफाजत बस जन्नत का सर्टिफिकेट हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आ, मैं एक मरतबा बारहा रहना हुआ और बातें होती थी तो तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इस वक्त बुनियादी जो मेरा फोकस और तवज्जो और असल मरकजी नुकता है वो ये है कि आपके और हमारे इल्म में वो चीज़ें आ जाए वो सिफात जिन पर जन्नत का वादा है इसलिए मुख्तसरन अर्ज करता हूँ तो मैंने एक मरतबा कुरान करीम की इस आयत की शराह की असकाल हम है नबी मोमिनीन से कह दीजिए वो अपने निगाहों को नीचा रखे और शर्म गाहों को महफूज कर ले इससे उनका कल्ब को तजकिया और सफाई हासिल हो जाएगी दूसरी आयत शामिल करो इसके साथ सुन लीजिए जहां तक ये पैगाम पहुंचे गौर से आज निगाहों की हिफाजत बहुत बड़ा मसला बना हुआ है उम्मत के जवानों के लिए और इसकी इस निगाह के रास्ते से दिल में जो गंद जाता है और गलासत और गंदगी वो किसी काम का नहीं छोड़ती आदमी को यानी घरों में है और दरों दीवार और छतों को तोड़कर हमारे नकब लगा के दुश्मन ने हमारे ईमान को छीन लिया हया को छीन लिया पागदामनी को छीन लिया है तो दूसरी आज शामिल करो अल्लाह फरमाते हैं जिसने नफ्स का तस्किया कर लिया वो फलाह पा गया फलाह बहुत अजीम लफ्ज है अरबी का हर किस्म की कामयाबी को शामिल है तीसरा तीसरी आयत शामिल करो कद अफला वो मोमिन जिनमें ये ये सिफात हो वो फलाह पा गए यह भी फलाह पाया जिसे तजकिया मिला और वो भी फलाह पाए मैं एक दिन अर्ज करूंगा तफसील बताऊंगा उसकी लेकिन आगे फलाह पाने वाले कामयाबी पाने वालों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं फिर खाल ये लोग जन्नत के वारिस होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे तो मेरे प्यारे सामीन भाइयों गौर से सुनो क्या नतीजा निकला कि निगाह बची तो शर्मगा बची निगाह शर्मगा बची तो दिल की सफाई हुई दिल की सफाई हुई तो फलाहो कामयाबी मिली और फलाहो कामयाबी वाला जन्नतुल फिरदौस में ये ले लो कुरान से मैंने जन्नत का टिकट दे दिया आपको कुरान करीम से अल्लाह के अजीम कलाम से जन्नत का टिकट मिल गया वो क्या है निगाह बचा के शर्मगा बचा लो और इसका जोड़ है जोड़ है इसका हमारे हजरत वाला रहमत ला फरमाते थे जो बादशाह अपने मुल्क का कैपिटल और राजधानी और दारुल खिलाफा दारु सल्तनत महफूज रखना चाहे दुश्मन से बचाना चाहे तो जो बॉर्डर है बॉर्डर उसको अच्छे से महफूज रखता है तो बॉर्डर ये बॉर्डर है समझ लो ये मौलाना जब छोटा सा बुजुर्गों था, था, से मुलाकात का बहुत तो हजरत को लिखा था देवबन से हजरत अल्लाह का ऐसा आशिक मुझे बना दीजिए कोई घुर बताइए तरकीब कि मैं अल्लाह का आशिक बन जाऊं बस दीवाना जैसे तो हजरत ने मुझे शेर छोटे से पोस्ट कार्ड आते थे, कार थे पंद्रा पंद्रा पैसे के उस पर मुझे हजरत ने शेर लिख के भेजा चंदो बंद चश्म बंदो गोश बंदो लब गर नबी नूर अकबर मा बखन आंख बंद कर लो होठ बंद कर लो और कान बंद कर लो अगर अल्लाह का नूर न मिला हमारा मजाक बनाना आंख बंद कर लो होठ बंद कर लो अभी दो दिन पहले किसी ने भेजा क्या तीन तलाके हो गई जी कोई मसले का हाल बताओ अभी चार दिन की बात है किसी ने भेजा कि दो हो चुकी और एक बच रही है अब क्या मैं तकरीर करूं कहे से ये जुबान ये ये दो होठो के बीच में चर 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 चलने वाली ये ये जुबान बहुत बड़ी चीज है सांस निकल रहा है आखिरी वक्त है जुबान पे अर वाह मोहम्मद क्या आया रिवायत में मन काना आखिर कलामी ही लाला ला दखल जन्न ये भी एक टिकट ले लो बीच में ये भी एक जन्नत का टिकट है के जिसका आखिरी कलाम जुबान पे लाला ला ला हो तो जन्नत में दाखिल होगा मेरे प्यारो इसका आसान नुस्खा हर वक्त जुबान को ला ला से तर रखने की आदत डाल लो तो जब यह आदत पड़ जाएगी तो बीमारी की हालत में भी बीमारी की हालत में भी हत्ता के बहुत सी मरतबा इंजेक्शन लग गया और गशी तारी है लेकिन जुबान पर जिक्र जारी जिक्र जारी ऐसे हमारे बुजुर्गों के वाकयात मैं अपने उस्ताद मुफ्ती महम्मद रसद गंगोही को देखने के लिए इयादत के लिए दिल्ली हॉस्पिटल में जब गए तो यह हालत हमने देखी आईसीयू में दाखिल लेकिन जुबान नहीं बंद है जुबान से होटो होट जारी है क्योंकि हमेशा हजरत जिक्र करते थे खैर ये बीच में आपको एक और टिकट दे दिया मैंने यहां से हदीस शरीफ से के ये कर लो मनकांत दोबारा हाल बताना है मेरे अजीजों मेरे भाइयों ये जुबान जरा सी चर चर चली इसकी चली उसकी चली इसलिए जुबान की इफादत को मामूली ना समझना और निगाह की इफादत मामूली ना समझना और कानों की इफात मामूली ना समझना तो अभी तो जो मुझे बताना है मेरे भाई वो ये है कि ये टिकट है हमारा क्या बहुत अहमियत से सुनो बातों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम मुझे जिम्मेदारी दो के ये दो चीजें महफूज मैं तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूं इसीलिए अल्लाह और मशाइ के यहाँ इन चीजों पर बहुत ज्यादा जोर होता है हजरत शाह वसीुल्ला इलाबादी रमत के यहाँ जुबान पर बहुत जोर था सुकूत 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 खामोश खामोश रहो मेरे हजरत वाला रहमत के यहाँ मसी आबादी के यहाँ भी सुकूत और सुकून जुबान खामोश रहे चरचड़ -चर ना चले इसकी आदत डालो और आदत कब डलती है हजरत वाला रमतल फरमाते थे सोच कर बोलो बोल कर ना सोचो जब घर में जरा खटपट होती है शोहर बीवी में तो ऐसी तेड़ फेड़ जुबानें दोनों की चलेंगी ऐसी जोरदार चलेगी कुछ पता नहीं जुबान से क्या निकाला अब दो तलाक हुई और तीन हुई और फला हुआ अब बाद में बैठ के पछता रहे बच्चे हैं और फला है और फला है यंबिया की बात नबियों की बात होलिया की बात बड़ों की बात यह मामूली नहीं होती बहुत कुछ है जुबान पर तो पूरा बयान है हिफाजतें जुबान पर पूरी किताबें हैं इमाम गजाली रहमत की उठा के देखो लिसान जो जो जुबान की आफतें इसलिए मेरे भाइयों गुस्से पर कंट्रोल करना और बहरहाल तो जुबान की हिफाजत अभी यहां यह मजमून है कि जुबान को महफूज कर लो और शर्मगाह को महफूज कर लो शर्मगाह महफूज होगी जब आंखें महफूज हो जी जब आंखें दाएं बाएं इधर उधर जावेगी तो तजिए में खलल पड़ेगा फिर हिफाजत नहीं रहेगी इन दो चीज़ों की हिफाजत की बुनियाद पर हजूर अकदस तसल्म फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जन्त की जमानत दे रहा हूँ उकबाब ने आमिर रदी अल्लाह ने सवाल किया था हजूर आसलात वाम से मन्न जा जहन्नम से नजात की सूरत जी और जन्नत में दाखला, जहन्नम से नजात अल्लाह के आजाब से नजात क्या इशाद फरमाया अमली काली का लिसानक, अपनी जुबान को काबू में रखना वलिया का बी तेरा घर तुझे काफी हो जाए और वब की आला खती अपने गुनाहों पर रोता रहना आज के हालात में यह खास सा दिखा रहा है यह भी बीच में एक जन्नत का टिकट है जहन्नम से नजात और जन्नत का मिलना तीन चीजें हैं इसमें क्या तीन चीजें जुबान की हिफाजत और खामखा इधर उधर लगव जगहों में फितनों की जगहों में जहां बेहयाई हो जहां खामखा के फितरों में मुबतला होने का अंदेशा हो जैसा कि आज के हालात हैं इधर बैठना उधर बैठना जी और ये तो इसलिए अपने घर के अंदर रहो घर के अंदर बेजरूरत खामखाई खाम की उसमें ना जाओ वब की अलाकतीक और अपने गुनाहों पर रोते रहो ये रोना भी बड़ी सिफत है किसी दिन मुस्तकिल बयान में कर चुका बल्कि इस पर बयान मेरे भाइयों मैं आगे बढ़ता हूं तो आज का जो जन्नत का टिकट मैं पेश कर रहा हूं पहला वो ये है अभी जो अर्ज किया कि जुबान की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत लिहाजा इसके लिए जो भी करना पड़े टी वी दूर कर दो ये यूट्यूब और फेसबुक और फला अगर जाकर खतरा पैदा होता है और इधर उधर नजर पड़ जाती है तो क्या जरूरत है थोड़े से थोड़े से फायदे के लिए देखो दफे मजरत पहले है जलब मनफात बाद में है नफा उठाना पहले मैं तो अपने उन तमाम मुत्ल को सख्ती से मना कर देता हूँ फोन ही ना रखो मत सुनो हमारे व्हाट्सएप डायरेक्ट जी अपनी अम्मी का अब्बा का फोन लो और उसमें सुनो और उसके जरिए जवाब दे दो क्यों जब तुम्हें तुम्हे खतरा है और तुम इसमें बार बार मुब्तला हो रहे हो तो क्या जरूरत है इसको रखने की अपने पास बहरहाल तो इस गुफ्तु में मैंने एक एक टिकट तो जन्नत का ये हुआ कौन सा जुबान और शर्मगा की हिफादत और एक क्या हुआ ला आखिरी कलाम जिसका होगा जन्नत में जाएगा मुफ्ती महबूदो ही राम से न्यू कासल में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने पूछा वो भी दुनिया से चले गए अब मरहूम हो चुके हैं कि हजरत ईमान पर खात्मे की सूरत तो यही जवाब इर्शाद फरमाया ये हदीस शरीफ पढ़ी और फिर तशरी तशरीफ की यह है कि अगर तुम मुस्तकिल अपनी जुबान को तर रखो इसके साथ तो फिर जो घड़ी होगी चौबीस घंटों में से वो घड़ी भी ऐसी होगी कि जुबान पर तुम्हारी ये ला इल्लल्लाह चल रहा होगा और तीसरा टिकट वो मैंने बताया जुबान की हिफाजत और इधर उधर फितनों की जगह से बचकर अपने घर में रहना और अपने गुनाहों पर रोते रहना चलिए मेरे अजीजों और भाइयों जरा आगे बढ़ते हैं एक और रिवायत आपको सुनाता हूं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जन्नत की बशारत दी है और वो रिवायत अन قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يرد عن عرز اخيه الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامه ثم تلا هذه الايه وكان حقا علينا نصر المؤمنين माशरे के इंतहाई दर्जे बिगाड़ वाला वा वा एक बिगाड़ वाली एक चीज उस पर मैं भी गुफ्तु कर रहा हूं ध्यान से सुनना और खास तौर से यह मर्ज औरतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है कौन सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स ने अपने भाई की इज्जत और आबरू से दिफा किया दिफा बिलमकीबा जब वो वहां मौजूद नहीं था एक रिवायत में यह लफ्ज भी है तो अल्लाह पर लाजिम है कि जिस तरह इसने दिफा किया है इसका इसी तरह उससे जहनम की आग को दूर कर देंगे यौम और एक रिवायत में जहन्नम से उसको आजादी दे दे मेरे भाईयो ग से सुनना जब कभी मजलिस लगती है दो तीन आदमी बैठते हैं और आपस में इधर के उधर के तबसरे शुरू होते हैं बिलखसूस खबाती में जैसे ही बैठे तब सिरे शुरू इधर के उधर के अरे लगवियात की क्या जरूरत बेफायदाबाद की क्या जरूरत किसी के तस्करों की क्या जरूरत जब तस्करा छूटेगा और शुरू होगा तो दो बात जरा ठीक हुई तो तीसरी खराब भी आ जाएगी बीच में जी तीसरी खराब आ जाएगी बहुत मुजाहदे का काम है ये हजरत मुफ्ती शफी साहब रमतल अजीब मनफूदा बजरात को सुनाता हूँ जिससे दिल खुश हो जाएगा सुनकर मैंने जब यह सुना तो मुझे बहुत नफा हुआ हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमत आल फरमाते हैं कि जैसे ही दो या चंद आदमी एक जगह बैठते और जमा होते हैं तो फौरन शैतान वहां आ लेता है कि बस मेरा शिकार करने का वक्त आ गया है सुनना से, जैसे ही चंद लोग जमा हुए तो फौरन शैतान आ लिया। अब बिल्कुल तैयार बैठा जैसे मछली का शिकार करने वाले समंदर पे और तालाबों में और डेम वगैरह इधर उधर जाके बैठते हैं और कांटा डाल के बैठते हैं बस यहां मछलियां बहुत नजर आ रही है अब पकड़ूंगा और निकालूंगा मछली यही कैफियत शैतान आ गया तैयार के आ गया शिकार का वक्त क्यों जरूर ये लोग किसी के बारे में ना पसंदीदाओं ना मुनासिब बातों से अपनी मजलिस को गर्माएंगे और इस तरह गीबत के अजीम गुनाह में मुबतला हो जाएंगे यही तो शैतान का शिकार है यही शैतान का शिकार है उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत थानवी अलैह की बड़ी अजीब गरीब बात है खुलासा पेश करता हूं फरमाया कि आज कल गीबत की मजलिस में बैठकर खूब मजे के साथ गीबतें सुनते हैं सामने वाले को रोकते नहीं और ये कहते हैं कि ऐसा करना बड़ी बेमुरुवती और रूखेपन की बात है मजलिस के मजे को मुकद्दर और किरकिरा हो जाएगा अगर मैं बीच में अरे जब जब किसी ने कोई गलत बात बुरी बात किसी के मुताल किसी के मुतालिक कहनी शुरू की तो फौरन रोक दो और अगर रोकने की हिम्मत नहीं है तो कम अज कम इतना करो कि वहां से उठ जाओ अगर आदमी वहां बैठा रहे और मौजूद रहे और ग़ीबत हो रही है तो आप जानते हैं कुरान करीम का यह फैसला है और हदीसों में मौजूद है कि फिर तुम भी गुनाह में उनके बराबर शुमार हो गए कमजोर कमजोर ईमान का दर्जा कम अज कम इतना है जब इस तरह की कोई बातें शुरू हो शुरू हो तो हट जाओ और मेरे अजीज और भाई ये बहुत से लोग लोगबत का मतलब बिचारे चूके बयान सुनने वाले गुफ्तगु सुनने वाले हर तरह के लोग हैं अवाम खवास सब है इसलिए मैं अर्ज कर दू बहुत से लोग बेचारे समझते हैं अजी मैं झूठ बात नहीं बता रहा जो मैंने उनके बारे में बात की है वाकई उनमें है ये मैं झूठ नहीं बोल रहा था नबी पाक सल्ला वसलम ने इर्शाद फरमाया ब्याई नहीं यही मजमून कि अगर वो बात जो उसमें है तुम बयान कर रहे हो उसकी आदम मौजूदगी में तब तभी तो ये है और अगर ये मौजूद ना होती और कहते तब तो था ये तो और भी बड़ा जुर्म था और भी बड़ा जुर्म है मैं एक जगह बयानात पे जाता वक्ता फवक्ता तो एक मस्जिद में जा के मैंने बयान शुरू किया तो लोगों से मैंने कहा कि भाई आपके इलाके में यहां इस एरिए में जी इस खत्ते में कौन सा गोश्त सबसे ज्यादा खाया जा रहा है मेरी मेरा चेहरा सारे देखने लग गए हे साहब क्या बात कर रहे हैं अजी यहां तो मुर्गी का चल रहा आज मैंने कहा नहीं गलत कोई कह रहा जी बकरे का जी गाय का जी भैंस का जी फला फल आकाजी फलाक मैंने कहा सब गलत अब सारे मेरा चेहरा देख रहे हैं ये क्या बात मोहन साहब ने शुरू की गोश्त कहने कहा अरे भाई बयान तकरीर करनी चाहिए इनको ये गोश्त की बात शुरू करने लग गए मेरे अजीजों और भाइयों कुरान का इसतजार और अहदीस में जो मज़ामीन आए हैं जो वादे वहीदे आई है उनका दिल में इसतजार ये मोमिन की शान है ये ईमान वाले की शान है मैंने फौरन उनसे कहा मेरे अजीजों बुरा ना मानो आज हमारे मुस्लिम माशरे में मर्दों हो औरतों हो जब मजलिस होती है बैठते हैं तो आज हमारा आम माहौल ये बन गया है दो मिले तीन मिले और तस्करे तबसरे शुरू किए तो फौरन एक की बुराई गीबत बुराई गीबत जानते हो वो बात जो उसको नापसंद हो अगर पता चले कि उसका तस्करा किया गया है वो बात कि अगर उसका तस्करा की करना उसको मालूम हो उसे नापसंद हो चाहे जुबान से कर लो या ऐसे कर लो या वैसे कर लो मुख्तलिफ इसकी तक तफसी है आ, किताबों में लिखी है बहरहाल इसे कहते हैं गीबत तो मैंने उनसे कहा के मेरे अजीजो आज हमारे लोगों में अपने मुर्दा भाई का गोश्त सबसे ज्यादा लोग मजा ले लेके चप चप करके काट काट के पीस बना के खा रहे हैं मुर्दा भाई की लाश पड़ी और छुरी लेके मना है और टुकड़े काट काट के चब उसके जी गोश्त की बोटियां जो है वो खाए जा रहा है धूप तो सारों के कान चौंक गए सब चौंक गए और देखने लगे मुझे अरे ये क्या बात कही मैंने कहामत का, का मर्ज इतना फैल गया है और आम हो गई ये बातें आप नेट से भेजो व्हाट्सएप से भेजो मैसेज भेजो किसी के बारे में बुराई का कामत है वो नहीं है और आप किसी को इतला कर रहे हैं फोन पे करो करोत है बहरहाल इस पर ज़्यादा तकरीर न करने के बजाय मेरे भाइयों मुझे तो आपको ये बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर कितनी अजीम शान फीलत उस शख्स की बयान कर रहे हैं कि जिसके सामने उसके भाई की आबरू रेजी हो रही हो और उसके ना नामुनासिब और बुरी बुरी बातें नकल हो रही हो तो बजाय इसके कि ये मज़े ले लेकर सुने और ख़ूब उमदा अंदाज से हज़रत थानवी खुद ससरू का हाँ मलफूज कहीं पर है शिर मदर अपनी अम्मी का दूध जैसे छोटा बच्चा पीता है इस तरह शिर मदर समझ कर इसे पिया जा रहा है आजकल और हजरत ही के मलफूज में कहीं पर है कि अरे अरे वो शख्स जो यू कहता है कि मजलिस का मजा मुकद्दर हो जाएगा अगर किसी जगह तुम बैठे हो और ऊपर छत पर बच्चा चढ़कर और वहां से पेशाब करे और पेशाब पर नाले से तुम्हारे सरों पर गिरने लगे तो उठ भागो के भागोगे कि नहीं भागोगे या यूं कहोगे मजलिस का मजा मजलिस गर्म है मजा आ रहा है मजलिस बिगड़ गई पेशाब सर पर पे गिरने दो सुने वो जो अपने आप को दीनदार समझते हैं और कहते हैं और अपने दीनदार होने का अपने जहन में रखते हैं क्या जब ये यह होती है हम इसी तरह बैठ के सुनते हैं अगर वो पेशाब बदन पे गिर के नापाक होता है तो ये येमत इतना बड़ा जुर्म और इतना खतरनाक गुना के जिसको कुरान ने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से ताबीर किया जिसकी संगीनी का ये हाल कि जो दिफा करे जो दिफा करे उसे जन्नत मिल रही है जहन्नम से आजादी तो शरीक होने वाले को कितना गुना होगा तो हमें आ, उ, उस वक्त इसका एहसास नहीं होता जिसम के नापाक होने के वक्त में मजलिस का मजा नहीं बिगड़ा उठ के दूसरी जगह जाके बैठ गए कुरान में हमें ये हुक्म दिया गया वहीना यु नया आप उनसे आरास कर जाओ हट जाओ यहां तक कि दूसरे उसमें मशगूल हो जाए नहीं तो फिर इन नकुम इधम मिसल हम तुम उनकी तरह शुमार हो गए मुजाह है बेशक लेकिन मुजाहदों ही से जन्नत मिलती है मेरे भाइयों, बदाहिर सामने वाले को नागवार हो और खराब लगे लगने दो मुरुवत और दिलदारी दिल रखना लोगों की दिल मेरे हजरत वाला रहमत फरमाते हैं एक तरफ लोगों का दिल टूटे और एक तरफ शरीय टूटे तोड़ दो जितने दिल टूटे अगर शरीय टूटने के मुकाबले में दिल का आ, दिल टूटने की बात आ रही हो हाँ शरीयत नहीं टूटनी चाहिए खुदा का हुक्म नहीं टूटना चाहिए तो बहरहाल मेरे अजीजों और भाइयों ये जन्नत का टिकट का क्या खुलासा निकला खुलासा निकला खुद जो से बचेगा, तो यकी जन्नत में जाएगा यहाँ तो खुलासा यह है जिसके मौजूदगी में जिसके सामने जी जो सुन रहे हैं बयान गौर से सुन ले, जहां भी कहीं मजलिस और ऐसी वो हो और कोई ऐसी बात हो तो हमने अपने एक उस्ताद को देखा हजरत कारी शोक साहब नाबीना हमारे मुजफ्फरनगर सरवट में इंडिया में अल्लाह अकबर ऐसी खूबसिफत थी उनकी कि मजाल है कोई किसी का जिक्र कर दे जैसे ही जरा जिक्र शुरू हुआ तो थोड़ी देर जरा चेहरे पर असर आता और फौरन कहते ए भाई, ए भाई, भाई 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 बस, बस भाई मैं तो कमजोर हूँ मेरे सामने भाई छोड़ दो भाई बस जिक्र छोड़ दो मत करो भाई जिक्र ना करो किसी का छोड़ दो अच्छा बुरा सारा छोड़ दो जब कुछ अच्छी बातें तस्करा शुरू होगी फिर दो चार उसकी खराबी की बात निकलती है इसकी बहुत ज्यादा इसलाह की जरूरत है बहुत ज्यादा इसलाह की बहरहाल मेरे भाइयों, ये एक और टिकट हो गया तो अब तक गोया आज मैंने आपके सामने जन्नत में दाखिले के जो टिकट बयान किए वो चार हो चुके हैं आओ पांचवा और इन शाह इस पांच मिनट के अंदर जो बाकी है उसका खुलासा आपके सामने पेश कर दूंगा

ये घोड़ा बदन का हमारे हजरत फरमाते थे इंसानों ये घोड़ा बदन का जो तुम्हें सवारी बना के दुनिया में दिया गया एक दिन ये रूह तुम्हारी जो असल इंसान है ये साथ छोड़कर और मिट्टी में मिलेगा तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जाना है इसलिए यही रहते रहते हमें इसको मुजयन और साफ सुथरा करना चाहिए इस बात को और किसी दिन तफसील से बताऊंगा माँ के पेट में जब तीन चिल्ले गुजरते हैं यह है वो बदन जो तैयार हुआ सवारी सवारी अब अल्लाह कहते हैं फरिश्तों को वो रूह है जो अरवाह में मौजूद है फरिश्ते फला वाली रूह लेके चल फला के घर में फला के पेट में जाके इस रूह को डाल अब दुनिया में आता है इस सवारी पे सवार होके के चल रहा है हम भूल जाते हैं बहरहाल मेरे भाइयों सुनो ध्यान से ये आप सलाम ने फरमाया छह चीजों की मुझे जमानत दे दो गारंटी दे दो कि तुम इसमें पक्के उतर जाओगे और इस पर पूरा अमल करोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत आए हाय हाय क्या बात है जन्नत का टिकट जन्नत का सर्टिफिकेट सादिकुल मस्तूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपनों और परायों ने सब ने कहा कि वो कभी झूठ नहीं बोलते तो प्यारो मौत से पहले ये सर्टिफिकेट लेते ले, लेते जाओ मश्क करो मजबूती के साथ इदा उस दुदा हदस तुम जब बात करो तो सच बोलना झूठ बिल्कुल ना बोलना जो हो सो हो इदा और जब वादा करो तो वादे को पूरा करना यहां एक बात बता दू कीमती बहुत कीमती अगर किसी ने वादा किया और पक्का इरादा है कि उसको पूरा करना है पक्की नीयत है हादसा कोई आरिज और मजबूरी पेश आ गई तो मेरे भाइयों ये वादा खिलाफी का गुनेगार शुमार नहीं होता नंबर दो छोटी सी बात बुरे काम का वादा किया गलत काम का वादा किया मैं तुम्हें तुम्हें टीवी खरीद के ला के दूंगा मैं तुम्हें अपने साथ फिल्म हॉल में लेके जाऊंगा वादा किया और आया नहीं उसको लेने के लिए यह भी इस हदीस में मुराद नहीं आगे बढ़ो वादा तुम इन तुम जब तुम्हारे पास जमानत रखी जाए किसी चीज की सही सही अदा करो उसे इस जुमले की तशरी बहुत लंबी है अक्सर लोग इसे माल के साथ जोड़ देते हैं प्यारो प्यारो अपने यहां के ओलमा से पूछ लेना ये खाली माल के लिए नहीं है ये बच्चे जो वाले को अल्लाह ने दिए अमानत ये माल अमानत ये जिंदगी अमानत ये सेहत अमानत और सब कुछ लंबी तफसील है इसमें सब अमानतों को अदा करो यानी जो जिसका जैसा हक है उसको वैसे-वैसे से अदा करो अगर ना अदा किया तो तुम खाइन हो अपनी जिंदगी के बारे में औलाद के बारे में उम्र के बारे में और जो जो तुम्हें मातहत में तालब मिले उन तालब इलमों की जैसी देखभाल करनी चाहिए थी वैसी नहीं की उसके बारे में ख्यानत एक वसी लफ्ज है ये इनकुमान लिहा आगे बढ़ो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखो मेरे भाइयों आज इतना ज्यादा सिना फैल गया मैं बाद में जाता हूं तो कानों में खवास भी आके कहते हैं हजरत इसके मुताल बयान कर दो तो बहुत ज्यादा फैल गया है और इस तरह फैल गया कि कोई खाद बहुत बड़ा जुर्म भी इसको नहीं समझा जा रहा है वक्त नहीं है वरना में आपको बता दा कैसे कैसे लोग खबरें बताते हैं बहरहाल कुम और अपनी निगाहों को नीचा रखो ये दो मौजूम पर बात कर चुका हूँ वह कुफूम और अपने हाथों को रोक के रखो किसी को ईजा और तकलीफ ना पहुंचने पाए यही मजमून एक और रिवायत में थोड़े से फर्क से वो भी बता दू तो मेरे अजीज इसका खुलासा क्या निकला छह चीजों को मजबूती से पकड़ लो जब बात करो तो सच बोलो जब किसी से वादा करो तो पूरा करो चाहे कुछ करना पड़ जाए उसके लिए और जब अमानत रखे जाओ तो उसे अदा करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत और नजरों को नीचा रखो और अपने हाथों को रोक के रखो तकलीफ ना पहुंचने पाए किसी को नजर को नीचा रखना एक एक चल रहे थे कुछ सामने आया हटा ली ये अलग है पहले ही से नीचा रखो और इसी तरह का ये मजमून दूसरी एक रिवायत में हजरत अब हरेरा रजी अल्लाह ने किया वो भी बताता चलू मैं नबी अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए थे तो आप वसल्लम के इर्द गिर्द थे उनसे हजूर आलाम ने फरमाया उत्तिन तुम मेरे लिए छह चीजों की कफालत जमानत ले लो मैं तुम्हारे लिए अकफुल जन्ना जन्नत की जमानत लेता हूँ तो हजरत अब हरेरा रजियन फरमाते हैं मैंने अर्ज किया पूछा या अल्लाह वो क्या है अल्लाह इरशाद फरमाया नमाज सही ढंग से वक्त पर पढ़ो आदाब रियायत कर शर्मगाह की इफादत करो यह मजमून आ चुका बतन पेट की हिफाजत करो हराम लुकमो हराम कोई चीज रत्ती बराबर जाने ना पाए अलिसान, जुबान पर मैं बात कर चुका हूं इसकी हिफाजत करो और जक़ात वक्त पर जक़ात दो सही तरह ये तो एक मजमून है मैं इंशाला दो एक दिन में डबल किस्त एक दिन बयान की रखूंगा और जक़ात पर बयान करूंगा साथियों का तकादा है क्योंकि इस वक्त अक्सर लोग जक़ात निकालते हैं तो नमाज और जक़ात वाल अमान और अमानत वाल फर्ज शर्म और पेट और जुबान अल्लाह जो करने के काम हैं अल्लाह ताला हमें मजबूती से उन्हें सही सुन्नत तरीके पर करने की तोफ़ी दे और उसमें हमें मरतदम तक जमाए रखे और जो बचने के काम हैं अल्लाह ताला हमारी सबकी उन सब से हिफाजत फरमाए और ऐसा इसका एक चार्ट और नक्शा बनाओ और अपने घरों में लटकाओ कि हर वक्त सामने रहे बस इसी पर बात ख़त्म है वसल नबील करीम वजमाइन वल्लाबीन